मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़, मॉल के अंदर चलाया जा रहा था सेक्स का कारोबार। आपको बता दें कि गाजियाबाद साहिबाबाद में दिल्ली यूपी कौशाम्बी बॉर्डर पर स्थित पैसिफिक मॉल के अंदर स्पा सेंटर की आड़ में हो रहे देह व्यापार पर बुधवार शाम को पुलिस ने छापा मारकर 100 युवक युवतियों को पकड़ा है, जिनमें 61 युवतियाँ और 39 युवक शामिल हैं। इनमें दिल्ली के 3 अधिवक्ता भी हैं। कार्रवाई में पुलिस की टीम को स्पा सेंटर से आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद हुई हैं। मॉल में पुलिस को देखकर स्पा सेंटरों के मालिक भाग गए। छापे के बाद थाने के बाहर युवक युवतियों के परिजनों की भीड़ देर रात तक लगी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीसीपी ट्रांस हिडन जोन विवेक चंद्र ने बताया है कि पैसिफिक मॉल के अंदर अलग अलग हिस्से में स्पा सेंटर चल रहे थे। इनमें से S2 थेरेपी सेंटर, रॉयल थेरेपी सेंटर, स्वादिका थेरेपी सेंटर, द हेवन थेरेपी सेंटर, राज थेरेपी सेंटर, अरुमा थेरेपी सेंटर, अरमान थेरेपी व रुद्रा थेरेपी सेंटर थे। सूचना मिली थी कि इन सेंटरों में मसाज और ब्यूटी मसाज के बहाने युवतियों से अनैतिक कार्य कराया जाता है। सूचना को पुख्ता करके देर शाम पुलिस लाइन और ट्रांस हिडन जोन की SOG टीम बनाकर पैसिफिक मॉल में छापे की कार्रवाई की गई। टीम वहां पहुंची तो युवतियां घबराकर भागने लगी, जबकि युवक टेबल व काउंटर में छिपने का प्रयास करने लगे। टीम ने 8 स्पा सेंटर से 61 युवतियां और 39 युवकों को पकड़ा है। सभी को पुलिस की वैन में अन्य वाहनों में बिठाकर लिंक रोड थाने लाया गया। वहां पुलिस अधिकारियों ने युवक या युवतियों से पूछताछ शुरू की है। उधर पुलिस की कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर के मालिक वहाँ से भाग निकले हैं, लेकिन पुलिस आगे भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है।